मेरा जीवन बिल्कुल अच्छा हो चुका था। पिताश्री के साथ मेरे संबंध भी अच्छे हो चले थे, किंतु प्रातःकाल जब उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ कि मेरी 12वीं की परीक्षाएं हो सकती हैं, वह मेरे कोमल नितंब पर प्रहार करने हेतु अपनी चरण पादुका ढूंढने में लग गए। CBSE के गुरुदेव को हमसे किस प्रकार की शत्रुता है? क्या हमारा जीवन इतना तुच्छ है? हमें तो अभी तक संजीवनी रूपी वैक्सीन की प्राप्ति भी नहीं हुई है, क्योंकि हम 18 वर्ष की आयु सीमा को पार नहीं कर पाए हैं। और आपकी माने तो 10वीं कक्षा के छात्र शिशु हैं और हम वयस्क हो चुके पुरुष हैं। अरे हम भी तो शिशु ही हैं। अरे हमारे पड़ोस में रहने वाले बलवंत राय का कुपुत्र साहिल, वो मुझसे 2 वर्ष बड़ा है, उसे वैक्सीन की प्राप्ति भी हो चुकी है, किंतु वह कक्षा 10वीं में है। इसीलिए उसके घर पर हर्षोल्लास का माहौल है और मेरे घर पर मातम की स्थिति है। मैंने अपने जीवन में आज तक एक भी कुकर्म नहीं किया, किंतु वह साहिल अपनी महिला मित्रों के साथ मदिरा का सेवन भी करता है, किंतु आज वह उत्साहित है, अपने जीवन का आनंद ले रहा है और मैं पुनः अपने पुस्तकों को तलाश रहा हूँ, उन पर जमे धूल की परत को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे CBSE के गुरुदेव तो स्वयं दूर संचार यंत्र की आड़ में हमारे लिए निर्णय सुनाते हैं और हमें परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए विवश किया जाता है। अरे परीक्षा परिणाम कैसे निकालोगे? जो जीवित रह गए वह उत्तीर्ण और जो मृत हो गए वह अनुत्तीर्ण। अरे अभी कुछ दिनों पूर्व ही तो स्नेहलता से व्हाट्सएप के ऊपर मेरा वार्तालाप आरंभ हुआ था। आपसे मेरी प्रसन्नता झेली नहीं गई गुरुदेव। चलता हूँ मित्र, अगर जीवित रहा तो पुनः हमारी भेंट होगी, वरना तब तक के लिए जय श्री राम, राम नाम सत्य है।